अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी लुक है, आप इजीली इसको क्रिएट कर सकते हैं। और ये हमारी ईद सीरीज़ की फ़र्स्ट एपिसोड है, तो मेरे साथ रहिएगा ताकि हम लोग मज़ीद अच्छी अच्छी सी मेकअप वीडियोज़ लेके आ सकें। और चैनल पर नया तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मूव करते हैं। सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ वाइब्स, इसकी मदद से मैं अपनी आई एरिया को अच्छे से क्लियर अप कर लूँगी। मॉइस्चराइज़र मैं इस मौसम में यूज़ नहीं करूँगी। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये हांडी बेस, बहुत अमेजिंग है, पूरी आईलिड को अच्छे से ये कवर अप कर देती है, कंसील बहुत अच्छे से कर देती है आई एरिया को, और डार्क सर्कल्स को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर देती है। मैंने इसको यूज़ किया है और कंसीलर ब्रश की मदद से मैं इसको अप्लाई कर लूँगी, सारे की सारी आईलिड पे इसको अच्छे से कवर अप कर लूँगी। नेक्स्ट फाउंडेशन ब्रश लूँगी और उसकी मदद से मैं इसको मज़ीद क्लियर कर लूँगी ताकि हर जगह ये लग जाए और अच्छे से एक स्मूथ सा कैनवस मेरे पास आ जाए। और यहाँ आपके सामने मैंने सिर्फ एक यही यूज़ किया और बहुत अमेजिंग है ये। बीबी लवमी का मैं लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ, इसको मैं डैप डैप करते हुए अपनी पूरी की पूरी आईलिड पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। सेम इसी तरह से आप लोगों ने अप्लाई कर लेना है, लूज़ पाउडर जो भी आप यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वेरिका आईब्रो फॉर्मेट, और इससे जो है वो मैं अपनी आईब्रोज़ को अच्छे से कर लूँगी फिल इन। आईब्रोज़ को फिल इन ध्यान से किया करें, अच्छे से किया करें, नेचुरल सी लुक इस पर आ जाती है जब हम लोग स्ट्रोक्स बनाते हुए इसको फिल इन करते हैं। इसी तरह से आप लोगों ने इसको अच्छे से फिल इन कर लेना है। और आईब्रोज़ फिल इन करने के बाद लाजमी स्पूली ब्रश की मदद से जो है वो आप लोग इसको कॉम्ब अप किया करें, इससे जो है वो प्रोडक्ट अच्छे से अप्लाई हो जाता है और बहुत ही नेचुरल सी लुक दे देता है ये। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मिस रोज़ की पैलेट से ये ब्राउनिश सा कलर, इसको जो है वो मैं एज़ अ बेस कलर यूज़ करूँगी। इसी तरह से आप लोगों ने इसको अप्लाई कर लेना है अपनी आईलिड पर, इसको मिडल ऑफ़ द आईलिड रख के आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्रीज लाइन पे इसको ज़्यादा सा प्रोमिनेंट किया करें और इससे जो है वो बहुत अमेजिंग सी लुक आ जाती है। नेक्स्ट मैं उस सेम पैलेट से यूज़ कर रही हूँ ब्लैक कलर, और ब्लैक कलर को मैं अपनी पूरी आईलिड पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। आउटर कॉर्नर पर मैंने स्कॉच टेप अप्लाई कर ली है ताकि जो है वो हमारा अच्छे से अप्लाई हो जाए और बिल्कुल भी बुरी सी लुक ना आए, गंदा सा ना लगे हमारा मेकअप, इसलिए स्कॉच टेप लगाना लाजमी होता है और इससे जो है वो मेकअप करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। आप लोग भी इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया करें। सेम जो है मैं पैलेट से यूज़ किया है पिंक कलर, और इससे जो है वो मैं अगेन अपनी क्रीज लाइन वाला एरिया प्रोमिनेंट करूँगी और मिडल ऑफ द आईलिड रख के फिर मैं कंसीलर लगा लूँगी। और इसी तरह से आप लोगों ने भी सेंटर ऑफ द आईलिड पर लगा लेना है कंसीलर, और जहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगे वहाँ आप इसको कंसीलर को यूज़ करते हुए रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट सेम पैलेट से मैं यूज़ कर रही हूँ पिंक शिमरी सा कलर, इसको जो है वो मैं ब्लैक जो एरिया था हमारा वहाँ पर मैं इसको अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। और इसी तरह से आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट ले के और अप्लाई करते जाना है। लास्ट से मैं यूज़ कर रही हूँ ये ग्लिटर, बहुत अमेजिंग है, लिक्विड इसका टेक्सचर है और बहुत इजीली अप्लाई हो जाता है। आप लोगों ने फिंगर की मदद से इसको पूरे के पूरे आईलेट पे लगा लेना है, फिंगर की मदद से ये अच्छे से लग जाता है, ब्रश से इतना अच्छे से नहीं लगता क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो लिक्विड वाली है, इसी वजह से इसको फिंगर के साथ लगाया करें आप। और नेक्स्ट में जो है लैश कलर से मैं अपनी लैशेस को कर लूँगी अच्छे से कर्ल, और भर भर के लगा लेंगे हम लोग मस्कारा। इसी तरह से जो है वो हमारी काफ़ी हद तक लुक क्रिएट हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है। लैशेस पे अच्छे से मस्कारा लगाया करें क्योंकि ये भी एक तरह से मेकअप की जान होती है। और इसी तरह से अब मैं नेक्स्ट अप्लाई कर रही हूँ एक्वा का आईलाइनर, बहुत ही अमेजिंग सा करके आप लोगों ने इसको अप्लाई कर लेना है। और लाइनर लगाना तो आई थिंक सो सभी को आता होगा और बहुत ही इजीली ये लग जाता है, जब स्कॉच टेप आउटर कॉर्नर पे लगी हो तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है हमारा लाइनर लगाना। इसी तरह से जो है वो मैंने रिमूव कर दिया है स्कॉच टेप, और नेक्स्ट जो है वो मैं सेम कलर यूज़ करते हुए अपनी लोअर लैश लाइन को अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूँगी उसी कलर की मदद से। और ये लाइनर जो है वो हमारा फिश लाइनर लगा है, और बाद में इसको थोड़ा सा सेट वेट करेंगे। और नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर, ये 4-in-1 हाइलाइटर मेरे पास है, ये बहुत अमेजिंग है, बहुत ही अच्छी से लग जाता है।
नेक्स्ट 3D आई लैशेज हुदा ब्यूटी की मैं यूज़ कर रही हूँ, उनको अप्लाई कर चुकी हूँ। और लास्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये मिस रोज़ का काजल, और इसको जो है मैं अपनी वाटर लाइन पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। और यहाँ ही बातों ही बातों में हो चुकी है हमारी लुक क्रिएट। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, मेरे साथ रहिएगा नेक्स्ट भी। और सामने आपको इंस्टा पेज नज़र आ रहा है, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। पेज पे आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में मेकअप प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। आप लोग इसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा और जल्दी से अपना ऑर्डर प्लेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।